वाह वाह। बहुत बुरे हैं ये। कैसे हो साले साहब? मैं ठीक हूँ बहनोई साहब, आप बताइए। बस मैं भी ठीक ही हूँ। दादी बहुत जल्द तुम्हें यहाँ देखने जरूर आएंगी, देख लेना। अगर कुछ सोचा भी है तो मत करना, बरूची को और गुस्सा मत दिलाना, समझे? मैं अभी कंपनी के लिए निकलूंगा, शाम में वापस आऊंगा, ठीक है? ठीक है। तौबा तौबा अस्तगफुरुल्लाह। बात सुनो। हाँ। आज रात एक सरप्राइज है तुफैल भाई के लिए, अच्छा रहेगा अगर तुम भी शामिल हो जाओ। करना क्या है? तुफैल सर आपकी मेहमान आई हैं। भेज दो उन्हें। ठीक है। आ जाइए। खुशामदीद मिस मारवी, बैठिए। बहुत शुक्रिया तुफैल भाई। आपको याले नाराज से मिलना होगा, बाकी डिटेल्स इसमें मौजूद हैं। करवाना क्या चाहते हैं मुझसे? आपके बॉस ने बताया नहीं आपको? आपके जरिए याले नाराज को आजमाना है। यानी आप कह रहे हैं मैं फ्लर्ट करूं उससे? तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा करना तो नहीं चाहिए। बस मुझे उसका इम्तिहान लेना है। ठीक है, आपका काम हो जाएगा। अपडेट करती रहिएगा मुझे। अगर तुमने मुझे गलत साबित नहीं किया तो तुम जिंदगी भर डेफने का चेहरा नहीं देख सकोगे। फिर चाहे डेफने मुझे दुश्मन ही क्यों ना समझे। इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। आई, हम कितने क्यूट लग रहे हैं ना। हेलो मेरी प्यारी सी छोटी सी रन, इस पिंजरे में कैद चिड़िया, कैसी हो तुम? आई, तुम सब एक साथ आ जाओ। दादी जान ना सो रही थी तो हम सब बातचीत करने के लिए आ गए यहाँ। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए अपने पेस्ट्रीज लेकर आई हूँ। आई, थैंक यू सो मच मेरी जान, थैंक यू। लैला, क्या हुआ है? है मेरा एक साहब का शौहर, क्या वो काफी नहीं मेरा मूड खराब करने के लिए? मुझे कल रात उसने प्रपोज किया और आज सुबह से मुझसे आंखें तक नहीं मिला रहा। अब बताओ मैं क्या करूं? कुछ तो गड़बड़ है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ है। हाय, लड़के ऐसे ही होते हैं भाभी, जहाँ इन्हें कोई खूबसूरत लड़की नजर आती है मोहब्बत छोड़ छाड़ के उसके पीछे लग जाते हैं बस। हाय, कुछ कर भी तो नहीं सकते ना, अब हम क्या करें? क्या बकवास कर रही हो तुम, पागल हो गई हो क्या? वो मेरा साहब का शौहर है, मुझे पता है, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। हर औरत की यही खुशफहमी है लैला भाभी, मुझे तो जो कहना था मैंने कह दिया। आए चलो हबीब है यार, अपनी फजूल बातें बंद कर दो तुम। और हाँ सुनो लैला, मैं भी ना तुफैल भाई से नाराज हूँ लेकिन वो गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने तुम्हें प्रपोज किया लेकिन तुमने कहा कि मैं उस सूरत में हाँ करूंगी जब तुम यालन और डेफने की शादी करवाओगे तब। हाँ अब बोलो। सही कहा। तो साबित हुआ, जाहिर सी बात है कि तुमने हमारे तुफैल भाई को ब्लैकमेल किया है यार, तो फिर ये सब तो होना ही था।
क्या करें यार, आखिर हम लोग कब खुश रहेंगे? शायद कभी भी नहीं। वैसे यार मैं तो बहुत खुश हूँ, तुम लोग अपना सोच लो बस। अल्लाह तौबा, ये तो ऐसे बोल रही है जैसे इसको कैदी बनने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ बहुत खुश है ये ऐसे, और ये यहाँ ऐसे ही सारी जिंदगी गुजार लेगी आराम से। हाँ तो और क्या, इसमें गलती क्या है अगर मैं ऐसे ही रह लेती हूँ? वैसे मुझे यालन पर यकीन है, वो बहुत जल्द तुफैल भाई को मना ही लेगा। मैं सारी जिंदगी इस कमरे में कैद थोड़ी रहूंगी, तुम लोग अगर मेरी मानो तो मसले हल हो जाएंगे। तुम सिनान भाई से पैचअप कर लो, और लैला तुम तुफैल भाई से पैचअप कर लो, और तुम हबीबे तुम्हें एक अच्छा इंसान मिला है लेकिन तुम्हें कदर नहीं। मेरा तो यही मशवरा है, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, हंसी खुशी रहा करो। मैं आज शाम तुफैल के लिए कुछ बहुत स्पेशल बना लेती हूँ। तो क्या मुझे उसके साथ डेट पे जाना चाहिए? हाय लैला, क्या हम तुम्हारे कमरे में रह सकते हैं? हाँ रह लो रह लो। चलो ठीक है। हाँ हो गया ना सब सेट, खत्म करो लड़ाई। अरे यार छोटी सी तो जिंदगी है, इसे हम लोग क्यों भला लड़ाई करके गुजार दें? मेरी मानो खुश रहा करो। अरे हाँ सही तो कह रही है लड़की। हाँ। यार सच ही तो है यार, हम वापस नहीं आने वाले, बस करो, बहुत हो गया। और क्या, वैसे देखने में तो अच्छा लग रही है। ये लीजिए चाबी, अब से ये आपके हवाले है, पसंद आया आपको? हाँ पेमेंट कर देता हूँ, ये रखिए चाय का। अल्लाह खुश रखे आपको, बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। शुक्रिया शुक्रिया। सरप्राइज दूंगा विशम को। हाँ, बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ यार कसम से अभी ना बस मैंने ही सोचा था कि क्या हो रहा है लड़कियों, क्या चल रहा है? हमारी मीटिंग चल रही है भाई, ज्वाइन करेंगे आप? नहीं नहीं मेरी जान, मुझे कुछ और काम है, आना जरा। कहाँ जा रहे हैं? अरे आओ ना भाई। सिनान क्या हुआ, कहाँ ले जा रहे हो? चलो तो सही पता चल जाएगा, घर मुकम्मल हो गया है। चलो साथ तुम्हें लेने आया हूँ, साथ चलकर देखेंगे। हाँ? हमारा घर यार। क्या ऊपर यार, मैं वहाँ नहीं रह सकती, मैंने तुम्हें पहले भी कहा यार। सिनान समझ में नहीं आती तुम्हारी, क्यों नहीं आती? ये सुन जाओ भी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हम सब तो वैसे भी फानी है ना, हमें दोबारा जिंदगी नहीं मिलेगी है ना। चलो आ जाओ। जानू अगर हम दोबारा दुनिया में आए तो तुम उसे प्यार करोगे क्या? मेरी जान ये कोई पूछने की बात है? अगर मैं तुम्हें फिर से मिल जाऊँ तो फिर से एक दूसरे से मिल जाएंगे हम। अगर मैं उसके बाद दोबारा फिर से मिल जाऊँ? हाँ तब भी कर लूंगा ना यशम, क्या हो गया पागल हो गया? अगर चौथी बार भी मिल जाऊँ तो फिर क्या होगा? मैं तुम्हें हर दफा प्यार करूंगा, जितनी बार भी मिल जाओगे यशम। अभी चलो प्लीज चलो ना यार। ठीक है सही है, 17 बार। हाँ करूंगा। ओ लेकिन ये काफी नहीं है। यशम बस कर दो ना अपनी गिनती, अब अंदर चलो ना यार। तुम मुझे उठा के लेके जाओगे वरना मैं अंदर बिल्कुल नहीं जाऊंगी सिनान। अरे जिस दिन से हमारी शादी हुई है तुम्हें उठा उठाए घूम रहा, अब तो मेरे हाथों में भी दर्द होने लगा है यार। तुम मुझे अपने कंधे पे ऐसे उठाओ जैसे कि उस दिन तुमने मुझे उठाया था, समझे? मैं पहली बार अपने घर में अपनी दिल की मर्जी से आ रही हूँ ना, तो उठाओ बस, शोहर हो ना। ये कितना खूबसूरत है सिनान यार। अच्छा लगा तुम्हें? हाँ सच में बहुत अच्छा है। चलो नीचे उतारो ना, मैं हर चीज को करीब से देखूंगी। चलो जल्दी से नीचे उतारो। बिल्कुल भी नहीं, अब तो तुम्हें गोद में उठाकर ही ना पूरा घर दिखाऊंगा मैं यशम, उसके बाद फिर सोचूंगा नीचे उतारने का। यार सिनान जी मेरी जान, देखने दो ना यार, उतारो ना। हाय चलो भाई चलो मेरी जान। आए आ यार तुम मुझे ऐसे उठा के पूरा घर में तो नहीं घूम सकते ना, नीचे तो रखना पड़ेगा ना। एक बरूची अपना वादा हमेशा पूरा करता है, वरना सुकून नहीं मिलता उसे, भले इसमें उसको हरनिया ही क्यों ना हो जाए। आई इतने रोमांस में इतनी फजूल सी बात सिर्फ बरूची ही कर सकता है कसम से, वो भी और कोई भी नहीं। मेरी बात सुनो यशी मरास, तुम चिराग लेके भी निकलोगी ना तो मेरे जैसा नहीं मिलेगा, और मेरे जैसा होगा भी क्यों, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही बना। यार यार उतारो मुझे प्लीज, नीचे उतारो ना, करीब से देखने दो ना अपना कमरा मुझे यार। बिल्कुल भी नहीं।
बाद में देखती रहना आराम से, इतनी भी जल्दी क्या है, घर तुम्हारा ही तो है ये। यार सनान, चलो अब तुम्हें दूसरा रूम दिखाता हूँ, वरना तुम्हें सरप्राइज कैसे दिखाऊंगा, देखना हैरान रह जाओगी। कैसा सरप्राइज? हाँ बताओ तो तुम मुझे। सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज, और ये इंतजार खत्म हो। नीली आंखों वाले मेरे आशिक, ये सब कुछ तुमने मेरे लिए खरीदा है? इतना सब कुछ सुनान, ये इतना खूबसूरत सरप्राइज है यार, बहुत अच्छा सब कुछ, बहुत ही। तुम कितने अच्छे हो सनान। तुम सिर्फ मेरी बन के रहना, सिर्फ मेरी, सुन लिया? हाँ। सिर्फ मेरी। हाँ, उसके बाद दुनिया का हर सैंडल कपड़े तुम्हें लाके दे दूंगा मैं, हर चीज तुम्हारी गुलाम होगी मेरी जान। ये भी है? जी हाँ ये भी है। वो भी और ये भी। अरे क्या ये वो? अच्छा तो हटो यहाँ से। तुम मेरा जोसेफीन बिल्कुल नहीं भूले। हाँ यार, मैं तो जोसेफीन को गलती से भी ना भूलूं। जोसेफीन आग में से हीरो की तरह निकलता हुआ आता है, और जोसेफीन इस घर की ठंडक है, और जोसेफीन इस घर का सेंटर पीस है, और जोसेफीन आंखों का नूर भी तो है। अब मुझे ये घर बहुत अच्छा लग रहा है यार। तारीफ नहीं करना वरना ये फिर से ना जल जाए कहीं। आज के बाद उसे जलाना है तो अपना घर जलाए जाकर। हाँ? पुलाद को कह रही हूँ जानू, अब वो कुछ भी नहीं करेगा, वो खुद प्यार की आग में जल रहा है क्योंकि, इसलिए कह रही हूँ। हद है यार। अस्सलाम वालेकुम एसटी साहिबा। वालेकुम सलाम पुलाद, क्या हाल है, खैरियत है? खैरियत नहीं है यार, थोड़ा मसला हो गया है। मसला क्यों? नीले बाल वाली। नीले बाल वाली? ओहो, अब क्या पेशेंट खुद डायग्नोस करेगा कि क्या मसला है? पेशेंट है कौन? देखिए आसले साहिबा, मैं नहीं जानता क्यों, लेकिन मुझे वो नीले बाल वाली लड़की अट्रैक्ट कर रही है। तुम समझ रही हो मेरा मतलब या नहीं? मैं उसे अपने जहन से नहीं निकाल पा रहा, यानी मैं बेबस हूँ, समझ नहीं आ रहा। उसे नहीं भूल सकता तो सोचा पोलाद जहन से निकालो उसे और यहां रख लो। जहन से निकाल के सीधा दिल में रख लो? हाँ, अगर ये सब मैं खुद ही देखता तो खुद ही मसले को हल भी कर लेता, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन यशिम भाभी का प्लान था। हाँ, उन्होंने मुझे यहाँ भेजा कि मैं तुमसे बात करूँ, तुम मेरी हेल्प करोगी इसमें, इसलिए आया हूँ मैं यहाँ। हाय जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या है प्लान? प्लान क्या है? मेरे गुस्से पे काबू पाने का ट्रीटमेंट करना है। तो तुम्हें गुस्से के लिए ट्रीटमेंट चाहिए? नहीं, गुस्से पे तो मैंने काफी हद तक काबू पा लिया है, मसला वो नहीं है। मेरा असल में मसला है वो नीले बालों वाली। समझ गई, अब तुम कहना चाह रहे हो कि घर है, गाड़ी है, बस सिर्फ एक लड़की की कमी है। सुपर, ठीक है, तो मैं अब तुम्हारी शादी करवाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। आसले, क्या तुम्हें मुझसे कोई ट्रीटमेंट चाहिए तो बताओ मुझे। हाँ, काम की बात करो ना यार, मेरी हेल्प करो, मैं इसलिए आया हूँ यहाँ। ठीक है, समझ गई आपकी बात, एक मिनट। तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारा पहला पेशेंट तुम्हारे पास भेज रही हूँ, चलो बाय बाय, आपका काम हो गया है। बहुत शुक्रिया। बाय द वे, ये मैंने पढ़ी नहीं है, फिर कभी ले जाऊंगा यहां से। पहला पेशेंट
मेरा पहला पेशेंट, आई एम सो एक्साइटेड। आराम से निहाल, कब से तुमने कुछ पढ़ा नहीं है, कुछ भूल तो नहीं गई हो ना तुम? मतलब कि कर सकती हो ना? हाँ कर सकती हूँ मैं। पहले मैं खुद अपना तो इलाज कर लूँ। क्या पहना है? तुम्हें इससे क्या? क्या मतलब है कि तुम्हें क्या? हाँ? अपना वही पागलपन पहनो ना, ये क्या बकवास है? ये मेरा जॉब ड्रेस है। बकवास है? इसमें तुम्हारी टांगे दिख रही हैं। चलो जाके चेंज करो इसे जल्दी। लेकिन मैं तुम्हारे कहने से क्यों चेंज करूं? ये ड्रेस लड़कियां नहीं पहनती। अच्छा वाकई में? लेकिन तुमने तो कहा था मुझमें लड़की जैसा कुछ नहीं। अरे लगती हो तुम लड़की, मैंने गुस्से में कह दिया था। जाओ और जाकर चेंज कर कर आओ और वापस आकर मेरे गुस्से का ट्रीटमेंट शुरू करो। ये तो मुझे पहले ही पता था। तुम मुझे हर्ट कर रही हो। हर्ट नहीं करना, इलाज करना है। बस करो। तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ जॉब कर रही हूँ? दानिश ने यशिम भाभी को और यशिम भाभी ने मुझे बताया। हाँ पता है, यशिम मुझे सुकून कहानी नहीं दे सकती। बस ठीक है, बातें बहुत हो गई, जाओ चेंज कर कर और मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट करो फौरन। मैं चेंज नहीं करूंगी कैप्टन साहब। तो फिर मैं तुम्हारा ये ड्रेस ही जला दूंगा, कसम से जला दूंगा मैं से, और फिर तुम मेरा ट्रीटमेंट भी नहीं कर पाओगी। अच्छा वाकई? और क्यों नहीं कर पाऊंगी? क्योंकि इसे देख के मुझे और गुस्सा आ रहा है, समझे तुम? कैप्टन पोलाथ, दफा हो जाओ यहां से। तुम पेशेंट को नहीं निकाल सकती। लेकिन तुम मेरे पेशेंट नहीं हो। वो तो मैं हूं नीले बालों वाली। कजन कहाँ गायब हो? कुछ नहीं यार, बस देखो अपनी फैमिली से दूर आने के बावजूद कितनी खुशी नजर आ रही है। यार कजन बात सुनो, एक कस्टमर से अपॉइंटमेंट है आज का, और हाँ उसका बिजनेस ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड है। सॉफ्टवेयर चाहिए, देख लेना तुम डील कर लोगे या नहीं। हाँ कोई मसला है तो बता देना, मैं खुद भी देख लूंगा। ठीक है तुम करो या मैं, सुन तो लेता। खैर क्या हुआ? वैसे प्रेगनेंसी भी तुम्हें नहीं रोक पाई, देखो तो जरा आधे ही काम शुरू कर दिया। तो और क्या, मुझे तो यालिन सर का भी एहसास हो रहा है। उन्होंने मुझे देखो कितना सारा काम दे दिया, लेकिन मैंने उन्हें कुछ भी नहीं कहा। क्यों? क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ। काश के खुशी के दो मिनट और मिल जाए। अम्मी जी, अम्मी अम्मी। हाँ अम्मी, तुम्हारी माँ बोल रही हूँ मैं। अब तक तुम बिजनेस ट्रिप से क्यों नहीं आई? आज रात आ जाऊंगी अम्मी। क्या हुआ, याद आ रही है आपको? अब घर आने की जरूरत नहीं है। क्यों? तुम्हें गुड न्यूज देनी है, घर सील कर दिया गया है। क्या अम्मी फिर से? यार दोबारा शर्त लगाई थी आपने, आपने वादा किया था मुझसे। ये मुझसे हिसाब लेने का वक्त नहीं है दानिया, उन्होंने हमसे घर छीन लिया है, कहाँ रहेंगे अब हम लोग? मैं अभी अपने दोस्त के घर जा रही हूँ, तुम अपनी ट्रिप को एंजॉय करो, जो होना है वो तो वैसे भी हो जाएगा।
जगह चाहिए। जाहिर है फर्नीचर की तो जरूरत पड़ेगी ना हमें, और पैसे भी चाहिए हमें। फोन रख रही हूँ मैं अम्मी, अल्लाह हाफिज। कितने पैसे चाहिए उन्हें दानिश? नहीं, इस बार तुम उन्हें एक पाई भी नहीं दोगे, सोचना भी नहीं तुम। ओके तानिया, यार हम लोग दोस्त भी तो हैं, और देखो तुम भी तो मेरे लिए प्रेग्नेंट हुई ना, इतना सब कुछ बर्दाश्त कर रही है, दोस्ती है ना। खैर बताओ मुझे उन्हें कितने पैसे चाहिए। नहीं दानिया, पता है गलत कर रही हो तुम ये, अगर उन्हें कुछ हुआ तो तकलीफ तुम्हें भी होगी। हरगिज़ नहीं दानिश, इस बार बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अब अगर तुमने पैसे दिए तो वो दोबारा यही करेंगी, और इसलिए मैं आज रात उनसे मिलकर फाइनल बात करूंगी। अरे बात सुनो, इस पे बाद में बात कर लेंगे ना हम दोनों, मगर अभी कहीं मत जाना तुम, और उनके पीछे तो बिल्कुल नहीं, तुम्हें भी पता है वो कहीं नहीं जाएंगे। चलो हमारे घर ही रुक जाना प्लीज यार। नहीं यार, मुझे अपना सामान चाहिए, और शायद दानिश मुझे अब जाना चाहिए। बात सुनो, कुछ भी मत सोचो, बस ऐसे ही प्रेग्नेंट रहो और दादा को खुश करती रहना, क्योंकि जो टेंशन तुम्हें तुम्हारी अम्मी दे रही है उससे तो दूर ही रहोगी ना। सोचो तो। कसम से यार, ये मुझे पागल कर देंगे, सच कह रही हूँ। कहाँ फंस गया हूँ मैं आके? ये पिक्चर क्या दिख रहा है तुम्हें? खून के धब्बे। नहीं यानी गौर से देखो, तुम्हें कुछ याद आता है क्या इसको देखकर? खून है। नहीं, इसमें एक प्यारी सी बटरफ्लाई है, क्या दिख रही है वो तुम्हें? बताओ। लेकिन हम इसमें एक चमगादड़ भी देख सकते हैं, और अगर हम दूसरे एंगल से देखें तो एक खूबसूरत औरत भी नजर आ रही है, और वैसे तो एक जोकर भी है इसके अंदर। खून के धब्बे, खून के धब्बे, खून के धब्बे, सिर और फिर खून के धब्बे इसमें। कोई बात नहीं, ठीक है तो फिर हम कुछ और ट्राई कर लेते हैं। ये कैसा है, इसमें से तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है? ओह, जो कलर का बादशाह है, ब्लू मरून, ब्लू मरून, जो हमारा चैंपियन है ट्रैब्जॉन। नीले बाल हैं लेकिन जहीन हो। लेकिन तुम्हें इसमें से एक चूज करना है, तो मैं चूज करूंगा नीला। कोई और रंग चूज करो। ये ट्रैब्जॉन का रंग है, आसमान का रंग है, ये समुंदर का रंग है, और ये रंग सबको सूट करता है, लेकिन तुम पे सूट नहीं करता, इसलिए तुम जाके चेंज करवा लो अपने बालों का रंग। यार तुम्हें क्या मसला है मेरे बालों के कलर से? हाँ, ओहो नीले बालों वाली, पेशेंट तो मैं हूं, लेकिन तुम्हें भी एंगर मैनेजमेंट की जरूरत है, इसलिए जाओ और जाकर पहले अपने दिमाग का इलाज करवाओ। मैं गुस्से में नहीं हूं। चलो पेंसिल उठाओ जमीन से, और ये भी लो। मैं क्या करूं इसका बताओ? जो कुछ सोच रहे हो वो बना दो। ये KG2 की क्लास नहीं है, समझी? तुम लेकिन ऐसे ही समझो कि KG2 की क्लास चल रही है। मैडम बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। चलो अपना टास्क कंप्लीट करो, ये सब तुम्हारे इलाज का हिस्सा है। अच्छा तो फिर देखती जाओ क्या करता हूं मैं। चलो बनाओ भी, टाइम जाया मत करो। थोड़ा टाइम तो लगेगा इसमें, अभी बनाता हूं मैं फिर देखना। देखो मैंने पहले ही कहा था वक्त लगेगा इसमें। हाँ ये देखो,
रहेंगे। जरा गौर से देखो इसे, तुम कैसे खुद को नहीं पहचान सकती? यार किस किस्म के इंसान हो तुम? हाँ? अरे ये क्या कर रहे हो? दफा हो जाओ यहाँ से। मारना मत। गौर करना, सीरियसली तुम्हें भी ट्रीटमेंट की जरूरत है। जान से मार दूंगी तुम्हें। नीले बालों वाली, बताता हूं तुम्हें मुझसे पंगा लेने का अंजाम क्या होगा। एक जो अकलमंद इंसान मुझे मिल जाए। हाँ यालिन, मैंने वो पूछना था कि उन्होंने हाँ कर दिया क्या? हाँ बिल्कुल, बाकी मैं आकर बताता हूँ। चलो शाम में मिलते हैं। हाय स्वीटहार्ट, मैं मार्वी गुनेशन एस्थेटिक सेंटर से, आपके बॉस के साथ अपॉइंटमेंट है मेरा। एक मिनट। हाँ बोलो सोंगल। मार्वी गुनेश आई हैं यालन सर, इनसे अपॉइंटमेंट है आपका। मैं आता हूँ सोंगल। वेट कीजिए, यालन सर आ रहे हैं। नहीं उनके आने की जरूरत नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। लेकिन कहा है तो वेट कर लेना, वैसे भी वो आ चुके हैं। I'm so sorry, मुझे जरा जल्दी निकलना पड़ेगा, मिस्टर दानिश साहब से बात कर लेंगे, ठीक है? सोंगल, दानिश को इन्फॉर्म कर दो। Have a nice day. हाँ मगर सुनो जरा, हमें जल्दी जाना है। लेकिन दानिश सर, यालिन सर भी चले गए और उन्होंने कहा कि आप मिस मार्वी से बात कर लेंगे। ये क्या हिसाब है यार, माफ कीजिएगा, वो मैं मेरी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है ना, अच्छा फील नहीं कर रही है तो इसको लेके जाना पड़ेगा मुझे। क्या प्रेग्नेंट कहा आपने? हाँ अचानक हो गया सब, पता ही नहीं चला कुछ। और कितना वक्त हुआ? बस तीन दिन। ज्यादा जल्दी नहीं पता चल गया आप लोगों को? हाँ ठीक कहा आपने, जब आप दानिश हो तो सब कुछ हो सकता है ना? आपको तो पता है ना प्रेगनेंसी में थोड़ा चिड़चिड़ापन आ जाता है, आपको हम लोग शेड्यूल करके बताते हैं सब कुछ। ठीक है समझ गई। श्योर, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया, फिर मिलेंगे। सुनो ख्याल रखना अपना, चलो मेरी जान देर हो रही है। हाँ हाँ दानिश सर, जाए जाए। यार दानिश, क्या प्रेग्नेंट हूँ मैं? बताओ मुझे। तो और क्या कहता मैं, हाँ कि ये मेरी दोस्त है और उसकी माँ ने कर्जों में फंसा दिया है, कितना अच्छा लगता ना, तो ये इतनी परेशान हो गई कि मैं इसको चॉकलेट दिलाने जा रहा हूँ। हाय, क्या हम चॉकलेट देने जा रहे हैं? ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पिस्ते वाली। तुम्हें तो सच में वही वाली क्रेविंग हो रही है दानिया। दानिश, इस बात का कोई मजाक नहीं है, समझ गए तुम? इनका तो जरा सा काम में दिल नहीं लग रहा, देखो जरा क्लाइंट का भी ख्याल नहीं किया। क्या करूं इसका, क्या मुझे इससे बात करनी चाहिए? मैम यहाँ भी वैसे कोई है नहीं, तो क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? तो किस किस्म का सॉफ्टवेयर चाहिए आपको, आप मुझसे कह सकती हैं। मैं वैसे भी यहाँ की एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हूँ, यानी सीनियर ही समझे मुझे आप, मैं करती हूँ ना आपकी हेल्प। कोई बात नहीं मेरी जान, अभी मैं चलती हूँ, लेकिन मेरा मैसेज अपने बॉस को दे दीजिएगा, बाकी मैं अपनी तरफ से भी कॉल कर लूंगी उन्हें। आई भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। तुम अभी तक यही हो? मैंने आपसे कहा था ना कि आपको राजी किए बिना नहीं जाऊंगा, तो फिर
क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल भी नहीं। अपने आप को समझते क्या हो? मैं तो मैं बेवकूफ दिखाई देता हूँ क्या? ठीक है भाई, ठीक है, मैं वेट कर लूंगा, आप जाइए। वो रहा घर। आदम, मुझे गुस्सा आ रहा है। छोड़ो आदम यार, चलो चले। हाँ चले यार। नहीं ना, अरे बस ना, नहीं खाना मुझे, क्या है? ये लीजिए दादी जान। वैसे मैं ये आप जैसा तो नहीं बना सकती, लेकिन ट्राई किया है मैंने। ओए, क्या बात है। पहले ये बताओ कि किस खुशी में मेहनत की गई है अपने हाथों से। कुछ नहीं दादी जान, बस ऐसे ही आज मेरा दिल किया तो ये पुलाव बना दिया मैंने। नहीं नहीं, ऐसा हो नहीं सकता लैला, मैं जानती हूँ, जरूर कोई बात है। हाय, मेरा शिकार आ गया। हबीबे रुको, मैं खोलती हूँ जाके। रुको, ये लो। कैसी लग रही हूँ मैं? हाय, आप तो बहुत ही प्यारी लग रही हैं, माशाल्लाह। मुझे पता है मैं हुई हूँ खूबसूरत। आराम से। खुशामदीद तुफैल, अब मुझे दे दो। मेरे पापा आ गए। मेरा प्यारा बेटा, शेर बच्चा है मेरा। आजो आजो, तुम भी बैठ जाओ। हबीबे, डैफने को बुलाओ खाने पर। तुम बैठो, मैं बुलाती हूँ। हबीबे, तुम बुला के लेकर आओ। अरे वाह भाई, खुशकिस्मत हैं तुफैल भाई आप। आपको पता है क्या, ये सब कुछ आपके लिए ही बना है। लैला ने मजेदार सा पुलाव बनाया है आपके लिए तुफैल भाई। मुझे नहीं खाना। खाना खाने बैठो, मैं आता हूं थोड़ी देर में। तुम चली जाओ पहले। शुक्रिया। हुआ क्या है? क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने नहीं देखा क्या? चलो ठीक है, कल कब जाओगी? काम करके मेरे पास आना मारवी। मारवी? ठीक है, कल मिलते हैं। पता नहीं क्या बकवास है सब। रास्ता छोड़ो मेरा। किससे बात कर रहे थे तुम? तुम्हें इससे क्या? क्या मतलब तुम्हें क्या? शौहर और मेरे जाने का हक है। मैं तुम्हारा शौहर नहीं हूं लैला, मैं कुछ भी नहीं, बस एक बेवकूफ इंसान हूं जिसने ये कोशिश की कि सब भुलाकर तुम्हारा शौहर बन जाऊं फिर से। हटो रास्ते से। सिनान भाई, तो फैल भाई क्या बात करना चाहते होंगे? तुम परेशान मत हो यार, हम सब हैं ना। हाय, ये होता है भाई प्यार, प्यारा प्यारा। और एक ये भाई है, पागल नहीं की। बात सुनो मेरी, उस आदमी को फौरन वहां से हटाओ वरना पछताओगी जिंदगी भर। तुफैल भाई जान घर पर है तो बाहर आए। क्या बकवास है?
तमाशा हो गया इस बेवकूफ इंसान को, तमाशा बना रहा है ये। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था भाई, यालन कभी भी हार नहीं मानेगा, मैं जानती हूँ उसे। तो फिर मैं भी बताता हूँ कि मैं क्या हूँ। भाई रुक तो जाए यार, इधर आ जाओ तुम। भाई रुक जाए, रुक जाए यार। देख लो तुम सारे मसले एक साथ ही आ जाते हैं। मुझे तो लगता है ये लड़का पागल हो गया है, दिमाग ही नहीं है। तुफैल भाई आप घर पर है तो बाहर आए। क्या हो रहा है ये, क्या बकवास है? तुफैल भाई आप घर पर है तो बाहर आए। सारे दिल जलों को जमा कर लिया उसने। नहीं होगा राशि, नहीं होगा, नहीं होगा राशि। सब मिलके बोलो। ये इतनी रात को यहाँ क्या हो रहा है? हाँ, हमने आवाज उठानी एक जालिम भाई के खिलाफ। फसादी, सब मिलके बोलो। फसादी, फसादी। तो फैल बरूची, राशि हो जाए। राशि हो, राशि हो, राशि हो, राशि हो, राशि हो, राशि हो। अगर मैं राशि हो जाऊँ तो फिर अल्लाह मुझे बड़ा बोल नहीं बोले तुफैल बरूची, सब मिलके बोलो। बड़ा बोल नहीं बोले तुफैल बरूची। तुम रुको जरा, बोला तुम भी मिलकर लोगों के साथ नफसियाती कहीं के मोहब्बत को, इज्जत को तुफैल बरूची, सब मिलके बोलो। मोहब्बत को, इज्जत को तुफैल बरूची। मोहब्बत को इज्जत दो बरूची। मुझे मत समझो, दफा हो जाओ यहाँ से फौरन। आराम से भाई, आराम से। छोड़ो तो मुझे, मैं क्यों आराम से बैठूं? इन लोगों की हरकतें नहीं देख रहे क्या तुम? मैं इन लोगों को जान से मार दूंगा। चले जाए, इन लोगों को बोलो फौरन चले जाए यहाँ से, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। नहीं जाऊंगा भाई, जब तक आप मुझे डेफने का हाथ नहीं दे देते नहीं जाऊंगा। हम हार नहीं मानेंगे, सब बोलो। हम हार नहीं मानेंगे। प्यार में सब जायज है तुफैल भाई। बोल भी तो कौन रहा है जिसका खुद कोई भरोसा नहीं। भरोसा कर लो ना, भरोसा कर लो ना। यार ये तो नहीं कहो ना, यार ये तो नहीं कहो ना। बोलो सारे, यार ये तो नहीं कहो। क्या मुसीबत है यार? क्या लोग हो तुम, कसम से कुर्बान जाओ मैं तुम्हारे, कसम से सही बता रहा हूँ, मैं कुर्बान जाओ तुम्हारे। वाह, बोलो मिलके तरफ जोन। हर तरफ ही तरफ जोन है, हर जगह तरफ जोन, हर तरफ हर जगह तरफ जोन। या अल्लाह, मुझे समझ में नहीं आया। हर तरफ हर जगह तरफ जोन, हर तरफ हर जगह तरफ जोन, हर तरफ हर जगह तरफ जोन, हर तरफ हर जगह जोन, हर तरफ हर जगह तरफ जोन, हर तरफ हर जगह तरफ जोन। जान यार, हाय, पता नहीं था भाई इतने बड़े आशिक निकलेंगे यार। उन्होंने तो सारी दुनिया ही खंडी कर ली बाहर डेफने के लिए, कसम से। तो क्या लगा था तुम्हें, बताओ जरा। मेरा बहन हुई है वो। इधर दो, इधर दो मुझे। बस बहुत हो गया, लो मैं रख देता हूँ। हाय, वाकई में तुम्हारा बहनोई है ना? लेकिन यार, लेकिन भाई कसम से तुम्हारी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं यार, बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। यशिम, मेरी जान, प्यार तो मैं भी तुमसे बहुत करता हूँ, जानती हूँ ना? पता है मुझे, मैं भी तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। यार सिनान यार, प्लीज ऐसे नहीं देखो ना मुझे। तुम जब ऐसे देखते हो ना मुझे, तो फिर लगता है अंदर कुछ पिघल रहा है जैसे। और सुनो, ये सिर्फ हमेशा मेरे लिए ही महसूस होना चाहिए, समझी? सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए।
चलो तो फिर आ जाओ यार, कहां? आओ तो कहां? कहां? जब कैसे इतने सवाल पूछती हो तुम, कहीं भी लेके जा सकता हूं मैं तुम्हें। चलो अब आओ मेरे साथ। ओ खुदा, अब कौन आया यार? पता नहीं मुझे, लैला या फिर इदरीस ना हो कहीं यार। अच्छा खोल दो, मैं नहीं खोल रहा। खोल दो, अब नहीं। हाँ खोल दो, नहीं खोलना मुझे। हाँ। दादी जान, हाय। सुनो बेटा, क्या आज रात मैं यहाँ रह सकती हूँ? क्या कर सकती हूँ? मैं आज रात यहाँ रुकने के लिए आई हूँ। देखो मुझे तुम्हारे लिए रोमियो बन के आ गया। तुम्हारे प्यार में क्या क्या करूँ मैं? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम क्या कह रहे हो। तुम जूलियट हो, मेरी जूलियट। मुझे सब समझ आ गया, जूलियट। आई लव यू ट्रू। Bir dalda koparlan iki beyaz gül gibi, başkasının ellerinden solacak mıyız? Ayrı ayrı kafeslerde tutsak olan kuşlar gibi, kavuşmadan birbirimize çürüyecek miyiz?